तो अभी ये बताओ हम लोग क्या देखने वाले हैं? मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यही बोलते हैं हमेशा कि भाई तुम कैमरे से ज्यादा सामने खूबसूरत हो। अरे तो लेकिन पब्लिक देखो तुमको पता है ना, दुनिया को पता है ना कि तुम सुंदर हो, हमें दिखाना क्यों किसी को? देखो ना कैमरे में चांद कुछ के गंदा दिखाना चाहती है ताकि सब लड़कियां उड़िया देख के अट्रैक्ट ना हो। ओ भाई देखो मैं वो बंदी हूँ कि मेरे बंदे को देख के हजारों लड़कियां अट्रैक्ट हो। मैं वैसी नहीं कि बंद, मैं छुपाने वालों में से नहीं हूँ। क्रीम नहीं लगवाती अभी डे और नाइट की। तभी तो इतना वो, इससे लास्ट वाले वीडियो में जो मेरा बर्थडे वाला वीडियो था उसमें मैं क्रीम लगा के घूम रहा था, उसमें बड़ा खूबसूरत दिख रहा था। अरे तो वो तो नेचुरल है, कोई भी अपना डे केयर या नाइट केयर करता है, उसमें क्या है। मैं खुद भी तो लेती, मेरा इतना गंदा चेहरा आ रहा है, पिंपल देखो, मेरा पूरा पिंपल वाला फेस है, मैं भी तो दिखाती हूँ ना। प्रमोशन आने वाले ना इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं आने वाला, मैं अपना गंदा चेहरा थोड़ी ना दिखाने वाली हूं। क्रीम का प्रमोशन आ जाएगा, तुम्हारा हो गया काम, तुम तो तुम्हारे तो पिंपल्स भी तुमको कमा के दे देंगे यार। तो बताओ यार जल्दी कि हम लोग क्या कर देखने जा रहे हैं अभी, मतलब ओ स्त्री कल आना। तो अभी गाइस हम लोग स्त्री का ट्रेलर देखने वाले हैं, देखते हैं कि कैसा है और फिर हम लोग वो देखने जाएंगे आज। और अब सबके लिए एक सरप्राइज उस वीडियो में छोटा सा कि हम लोग मूवी देखने जाएंगे और फिर मैं एक्सपोज कर दूंगा जिसे इतिहास से एक नाम से जानता है, दानिश। सरकटे के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा है। आज हमारा प्लान है मूवी देखने का, आपको तो पता ही, हमने थोड़ी देर पहले हमने ट्रेलर देखा है। तो आज मैं सिंपल ही बन के जाऊंगी, टाइम का बचा हुआ है। आज मैं रेड साड़ी पहन के जाऊंगी क्योंकि स्त्री लुक करके जाने वाली हूँ। लोगों का क्या रिएक्शन होता है मुझे नहीं पता है, तो चलो देखते हैं गाइस। क्योंकि मेरे पास ना वो लॉन्ग वाली छोटी तो नहीं है और मेरे बाल थोड़े से छोटे हैं, मैं थोड़े नहीं बहुत ही छोटे हैं, इतनी सी भी होती तो ज्यादा लेट हो गई मैं रेडी होते होते। शायद से हमारा तो मैं तारीफ करूँ या लोगों से तारीफ सुनना चाहेंगी आप? अच्छा लगता है जब उनको कॉम्प्लीमेंट देता है, तो अगर तुम मूवी तो भी अच्छा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही तो नए नए लोग करेंगे माशाल्लाह से। Bye-bye. यहाँ पे फिर हो गया हमारा झगड़ा क्योंकि शादाब को जिम जाना था और शो हमारा जल्दी था। तो तुम 5 मिनट वेट कर रहे थे तो उसमें मेरी गलती नहीं है। 5 मिनट मेरा कुछ नहीं है भाई, तुम तुमको नहीं जाना चाहिए था। अरे माँ कसम मेरे को भी नहीं जाना चाहिए था भाई, घर पे रह के। अरे यार इधर ब्लॉग चल, तो कार का तापमान कुछ हाई हो गया, ज्यादा गर्मी ज्यादा हो गई है। नहीं इसी चालू है, गर्मी तो नहीं हुई है, तापमान हाई हो गया बस। ओ माय गॉड, अबे यकीनन सुंदर दिख रही होगी तुम। पैदल सुंदर। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आंटी? रक्षा करना हमारी। वालेकुम अस्सलाम। वंशी नाम है तुम्हारा? हाँ आधा नाम आधा सर ने तो यहाँ पे हमारी मूवी होती है स्टार्ट। पहले कुछ सीन्स थे जो हम नहीं देख पाए, हम लेट पहुँचे थे, लेकिन यहाँ से सच में मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरा पहली बार था जो मैंने थिएटर में हॉरर मूवी देखी है। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं गाइज। थकी हुई लग रही है, तभी तुम कम डाउन नहीं बोलते ना, हमने नहीं जाना था। अच्छा ज़्यादा खली बात तो बनो मत, पता है मैं लोरी सुना के आए हो तुम। अरे यार उसको नींद की प्रॉब्लम है ना। और इसमें जो ये वाला सीन था ना बहुत फनी था, और यहाँ पे इतने सारे कैरेक्टर्स आए ना सामने जो कि हमारे लिए सरप्राइज थे। गाइज अगर आपने भी मूवी नहीं देखी है ना, आप लोग भी जाके मूवी देखो कि कितने कैरेक्टर आपको सरप्राइजिंग मिलने वाले हैं इसमें। स्टोरी क्या, मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा, मेरी हार्ट अटैक आ रहे थे बार बार। तो अभी तो प्रिंटर वाले से थोड़ा वॉशरूम आए थे, अब जा रहे हैं वापस से।
देखते हैं। ओके ओके मस्त लग रहे हो आप। मैं नहीं मूवी यार। नहीं मूवी भी अच्छी लग रही है। और यार मुझे, मैं तो पहली बार देख रही हूँ ये वाली मूवी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है मूवी ओके ओके स्टार्ट हो रहा है। कैसी लगी मूवी यार? मजा आई यार। तुमको कैसी लगी? लेकिन तुम मजा ही नहीं देख सकते हैं, कमजोर दिल के नहीं देख सकते। क्या क्या बोल रहे हो आप? बहुत फूट गया, बहुत फूट यार। मुझे तो अच्छी लगी लेकिन बहुत ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स थे ना यार। एक्टर ना उसने संभाला है, खाली जो जाना जाना करके जो एक्टर था एक वो, और एक वो राजकुमार राव ने संभाला है बुरा, और बाकी तो बाप रे बाप इतना गंदा फूटा हूँ मैं यार। नहीं वो वाला सीन भी बहुत अच्छा था जब ये वरुण धवन आया। नहीं कुर्सी पड़ के मार देता मैं उसको। बस ये था कि बीच बीच में कॉमेडी हो रही थी ना तो थोड़ा मजा आ रहा था। कॉमेडी ने पिक्चर को बना के रखा है, मजा आया ना। ये देखिए गाइस बारिश भी हो गई तो पहली बार पहुँचे लेट, और दूसरी बार जब हम पहुँचे तो मूवी थोड़ी आधी हो चुकी थी फिर, लेकिन बहुत मजा आया। मुझे तो आया ना ही, मुझे बहुत आया। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम लोग घर चले गए क्योंकि नैन्सी और हीरा घर पे थे, क्योंकि नैन्सी को मूवी नहीं देखनी थी। मूवी देखने के बाद हम लोग आ गए घर पे, और अभी मैंने कुछ बनाया नहीं था खाने के लिए और सबको भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कुछ बना देते हैं फटाफट से जो सब खा ले। मुझे तो भूख नहीं है, सबके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। क्या कर रहे थे रात में? ठीक है कोई नहीं, इसके बाद मैं सोने वाली हूँ, क्योंकि भूखा सुलाना अच्छी बात नहीं है, पेट की बदबू बहुत बुरी होती है इंसान की, इसलिए हम बहुत पुण्य का काम करते हैं खाना।